कितने का है गुब्बारा? मैम साहब ये बड़ा वाला 10 रुपए का है और ये छोटे छोटे 10 के 3 है, कौन सा दूं मैम साहब? 10 के 3 दे दो। अच्छा 10 के 3। हाँ लो मैम साहब। देखना बेटी, भगवान ने चाहा हमारे सारे गुब्बारे बिक जाएंगे, फिर तेरे लिए मैं रात को बहुत सारी मिठाई और बहुत सारे पटाखे लेकर के आऊंगा, ठीक है ना बेटी? गुब्बारे कैसे दिए साहब? बड़ा वाला 10 का है, छोटे वाले 10 के 3 है साहब। ये 10 रुपए का? अरे 2-2 रुपए में फिरते हैं गुब्बारे, लूट मचा रखी है पूरी। साहब 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 ले लो ना साहब, आपका बच्चा खेलेगा तो मेरा बच्चा खा लेगा साहब। साहब गुब्बारा तो 2 ही रुपए का है साहब, लेकिन 8 रुपए की मैं इनमें अपनी सांसें भर रहा हूँ साहब। ले लो ना साहब। कोई बात नहीं है बेटी, सब किस्मत की बात है। भैया कितने का दिया ये गुब्बारा? ये मैम साहब 10 रुपए का है। मैम साहब ये 10 रुपए का है? हाथ लगाते ही फूट गया, लूट मचा रखी है क्या आपने? 5 रुपए में देना है तो दो। ओहो चंचल, क्या मोल भाव कर रही हो, जल्दी चलो घर पे मुन्ना रो रहा होगा। हाँ हाँ साहब ले लीजिए ना, आपका मुन्ना खेलेगा मेरी बेटी खा लेगी, इसकी भी दिवाली बन जाएगी साहब। साहब ले लीजिए ना साहब। नहीं लेना, बहुत महंगे वैसे भी है, चलिए जी यहाँ से। साहब मैडम जी, ये जो आपने गुब्बारा फोड़ा है इसके तो पैसे दे जाओ साहब। जानबूझ के थोड़ी फोड़ा है, हाथ लगाते ही फूट गया, जो इसके पैसे दूंगी। साहब मैडम जी पैसे दो या मत दो, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ मैडम जी, आपका तो कोई कारोबार होगा, कोई बिजनेस होगा, लेकिन मेरा तो यही कारोबार है, मैं इसी कारोबार से अपना घर का गुजारा करता हूँ मैडम जी। तो फिर हम क्या करें इसमें? मैडम जी साहब जी, इन गुब्बारों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, पर इन गुब्बारों में मैं अपनी सांसों की पूंजी भर करके बेचता हूँ साहब जी। मुझे मेरे गुब्बारों की कीमत ना सही, मुझे मेरी सांसों की कीमत दे दो साहब जी। पर अगर मैं अपनी सांसों की कीमत मांग रहा हूं, इसमें क्या बुरा कर रहा हूं साहब जी? मैं इन सांसों की कीमत से ही मेरा घर चलता है साहब जी, मेरा घर चलता है। भैया आपका नाम क्या है? सेवक राम साहब जी। सेवक राम जी, आप ये सारे गुब्बारे हमें दे दीजिए। पर आप इतने सारे गुब्बारों को क्या करोगे मैडम जी? मैं अपने घर के गली मोहल्ले के बच्चों को बांट दूंगी। सुनिए आप इन्हें 1000 रुपए दे दीजिए। नहीं नहीं साहब, मुझे सिर्फ 200 रुपए दे दो साहब। सेवक राम जी, 200 रुपए मैं आपके गुब्बारे के ही दे रही हूँ, बाकी के 800 जो हमारी आंखों पे पर्दा गिरा हुआ था ना, हमारी आंखें खोलने के लिए। हाँ सेवक राम जी रख लीजिए, हमारे मन में जो इंसानियत की मूर्ति थी उसके ऊपर अहंकार की धूल जमी हुई थी, वो पर्दा आपने हटा दिया, अब हमारे मन के अंदर इंसानियत की जो मूर्ति साफ साफ दिखाई दे रही है, जो कि आज आपकी वजह से हुआ, आप रख लीजिए। साहब ये आप ले जाइए साहब। साहब आपका बच्चा खेलेगा और हमारा बच्चा साहब खुश होगा, हमारा बच्चा भी खा लेगा साहब। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली भैया। हम गरीबों की ओर से साहब। हैप्पी दिवाली। चलो चलो, आज हम भी जी भर के दिवाली मनाएंगे, तेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आऊंगा बेटी।
तेरे लिए बहुत सारी मिठाई लेके आऊंगा मेरी गुड्डो, जी भर के खुशी मनाएंगे, जी भर के मिठाई खाएंगे बेटी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री श्याम। बस आपको इस स्टोरी के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस दीपावली पर गरीबों से ज्यादा सामान खरीदें, ताकि आपकी दिवाली तो मने, उन लोगों की भी दीपावली बन सके। इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, समस्त फटाफट डिजिटल की टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी दीपावली।